नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ मास ऑफ वन के जी सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इट इज पहला केस है लिफ्टेड विद एन एक्सलेशन ऑफ फोर पॉइंट नाइन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केस है लोड विद एन एक्सलेशन ऑफ फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें यह बताना है कि रेशियो ऑफ टेंशन क्या होगा ऑप्शन है वन इज टू थ्री वन इज टू टू थ्री इज टू वन या फिर टू इज टू वन नाउ जब हमने उसको लिफ्ट किया है सो दिस इज़ द स्नेरियो कि आपके एक रस्सी है रस्सी से आपने एक ब्लॉक को बांधा हुआ है अगर तो स्टेशनरी है तो यहाँ पे आपकी जो टेंशन आएगी इस केस में टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम जी लेकिन अगर इस रस्सी को अगर हम एक्सलेशन से ऊपर लेके जाएंगे टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए इसी को अगर हम नीचे लेके आएंगे ए एक्सलेशन से तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए सो so, ये अपनी टेंशन होगी हमें बताना है कि इन दोनों का रेशो आ, क्या होएगा सिंपल सवाल है तो टेंशन T1 वन डिवाइडेड बाई टी टू विल बी इक्वल टू एम कैंसिल हो जाएगा सो so, हम इसे लिख सकते हैं G प्लस जी बाय टू डिवाइडेड बाय जी माइनस जी बाय टू नोट करें यहाँ पे जो एक्सलेशन दिया है दैट इज़ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको हम G बाय टू लिख सकते हैं सो दैट मेक्स इट वेरी सिंपल सवाल तो ये अपना हो गया 3 बाय टू जी नीचे हो गया जी बाय टू सो इसका मतलब रेशो थ्री टू वन आ गया सो so, अपना आंसर आ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट चॉइस